नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। लोकसभा चुनाव सिर पर है। हर पार्टी अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए अपना पूरा दमखम लगा रही है। जहां मैदान पर पार्टी के दिग्गज मोर्चा संभाले हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी प्रवक्ता पार्टी का पक्ष जनता के सामने मजबूती से रख रहे हैं। इसी कड़ी में आज सवाल जवाब में पेश होंगे डॉक्टर और बीजेपी के तेज तर्रार प्रवक्ता अजय आलोक जी, जो बिना लाग लपेट, बेबाक, सटीक और तर्क के साथ विरोधियों को पटकनी देने के लिए मशहूर हैं। आलोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है श्रेष्ठ भारत में। धन्यवाद। लोकसभा का चुनाव है, कैंडिडेट फील्ड में हैं, बड़े नेता जो हैं वो अपनी पॉलिसीज और तमाम वादे और इरादे लेकर के फील्ड में जा रहे हैं, लेकिन स्टूडियोज में और तमाम जगहों पर जब उनका पक्ष रखना होता है, चाहे वो बात कोई सही बोल रहे हों या गलत बोल रहे हों, प्रवक्ताओं का बहुत बड़ा रोल होता है और जितने अच्छे से प्रवक्ता रख पाते हैं उतनी ही अच्छे तरीके से पार्टी की बात सामने जाती है। आपके सामने आज की तारीख में क्या चुनौती आती है लोकसभा चुनावों को देखते हुए? नहीं, हर चुनाव एक चुनौती होती है और हर चुनाव को हम उतनी गंभीरता से लेते हैं और उतनी गंभीरता से पूरी ताकत लगा के अपनी बातों को जनता के साथ कनेक्ट करके और जनता को समझाने की कोशिश करते हैं कि हम क्या करना चाह रहे हैं और हम देश को किस तरह आगे ले जाना चाह रहे हैं, हमारे लक्ष्य क्या हैं, हमारा मिशन क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है और हमने पिछले 10 साल में किया क्या है, और अपने रिपोर्ट कार्ड को आधार बना के हम आगे के लिए और काम करने के लिए जनता से अवसर मांग रहे हैं। लेकिन थोड़ा बीजेपी में आसान हो जाता है, क्योंकि और पार्टीज में इंडिविजुअल अपनी बात भी करता है, क्षेत्र की भी बात करता है, दूसरे नेताओं की भी बात करता है, लेकिन यहाँ हर बात मोदी जी और उनके आसपास ही होती है। स्वाभाविक है, मोदी जी हमारा नेतृत्व कर रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री आगे भी भविष्य में 10 साल वही रहने जा रहे हैं और देश को उन्होंने 10 साल चलाया है, जिस तरह से चलाया है वो सबके सामने है, अनुकरणीय है और देश भी देख रहा है, देश पसंद कर रहा है। देखिए, अच्छा, मोदी जी के साथ आसानी इसलिए हो जाती है क्योंकि मोदी अब दिल में बस रहे हैं, जनता के दिल में बस रहे हैं, इसलिए हमारा काम आसान है। नहीं, लेकिन एक पार्टी के कार्यकर्ता के लिए भले ही आसान हो जाए कि उनके बड़े नेता के बारे में बात हो रही है और उसके अपने कामों को लेकर बात नहीं हो रही, लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो एक पार्टी में वन मैन आर्मी वाला भी तो हिसाब किताब हो जाता है कि अब कभी भी बीजेपी की बात होती, पहले बीजेपी एक पार्टी के रूप में मानी जाती थी, लेकिन आज की तारीख में अगर बीजेपी की बात की जाए तो वो पार्टी से ज़्यादा नरेंद्र मोदी जी की बात होती है। तो क्या ये व्यवस्था स्ट्रेटेजिक है या फिर ये ऑटोमेटिकली हो गया लोगों के प्यार के चलते? नहीं, इसको आप स्ट्रैटेजिक भी कह सकते हैं, लोगों का प्यार तो निश्चित तौर पे है ही। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी है जो एक ऐसी संगठन है जिसमें 18 करोड़ से ऊपर मेंबर है और इस 18 करोड़ के संगठन की पार्टी की कमान नरेंद्र मोदी जी संभाल रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी संभाल रहे हैं, हमारे गृह मंत्री हैं, हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, ये तमाम लीडरान हैं जिनको जनता पसंद करती है। और स्वाभाविक रूप से नरेंद्र मोदी जी नेतृत्व हैं तो वो वन मैन आर्मी नहीं है, आर्मी बहुत बड़ी है, आर्मी के वन मैन कमांडर है, यहाँ नेतृत्व पे संकट नहीं है, बाकी सब जगह आप देखिएगा कि नेतृत्व पे ही संकट है, लोग एक दूसरे को नेता मानने को तैयारी के लिए घमंडियों में हो गए। अजय जी, आप बहुत एक शार्प और बहुत ही वाकपटु प्रवक्ता माने जाते हैं, बहुत सारी मुद्दों पर अपनी बात को बड़ी आसानी से रख देते हैं और कई बार ऐसा भी होता है कि जो गलत बात होता है सही लगने लगती है, लेकिन आपके सामने भी मौके आते होंगे, खासकर चुनाव के मौके में, जब लोग बयानबाजी ऐसी करते हैं जिसमें घिरना जायज़ है, बहुत बार ऐसा होता है कि नेता घिर जाते हैं, तो ऐसे में किस तरह की मुश्किल आपको आती है जब कई बार ऐसा भी होता होगा? देखिए, हमारे नेतृत्व के कर्म ऐसे हैं कि हम लोग घिरते नहीं, और नरेंद्र मोदी जी का आप किसी भी रैली में या कोई भी चीज में अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता उनका भाषण सुन लेता है ना, तो तमाम मुश्किल सवालों के जवाब उसको उनके पत्र पे जाता है, तो घिरने का प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि नीति स्पष्ट है, नियत स्पष्ट है और क्या कार्य किया है वो स्पष्ट है और आगे क्या करेंगे वो स्पष्ट है। जब हर कुछ स्पष्ट रहेगा, कोई चीज हिडन नहीं रहेगी, तो आप घिरेंगे कहाँ? घिरते वो हैं जिनके मन में कुछ और होता है, मुंह में कुछ और, वो कभी कभी निकल जाता है तो घिरते हैं। अच्छा, बीजेपी ने अभी बीजेपी के लिए चुनौती एक कहा जा रहा था कि दिल्ली में केजरीवाल नहीं अब हैं, बाहर जेल में हैं, तो उनके लिए बड़ी चुनौती खत्म हो गई एक तरीके से कहा जाए, जो बड़ी चुनौती हो सकती थी, लेकिन अभी आज संजय सिंह को जमानत मिल गई है और जाहिर सी बात है कोर्ट ने यह भी कहा है कि वो चुनाव में शरीक हो सकते हैं, चुनाव की जो तमाम चीज़ें हैं उनमें शामिल हो सकते हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये जो चुनौती गई थी उसको किसी भी तरीके से संजय सिंह संभाल सकते हैं?
संजय सिंह कितना संभालेंगे नहीं संभालेंगे तो संजय सिंह जाने, उन पर टिप्पणी मैं क्यों करूं, लेकिन संजय सिंह को जमानत मिलना ऐसा नहीं हुआ है कि लगता है कोई 1956 का पानीपत का युद्ध जीत गए हैं। जमानत मिलना हर नागरिक का मानवीय अधिकार है और ईडी ने अपोज नहीं की जमानत, तो इससे साफ ये दिखता है कि अब तो लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि बीजेपी ईडी का यूज नहीं कर रहा, क्योंकि ईडी अगर बीजेपी के हिसाब से चलती तब तो संजय सिंह का जमानत का ईडी को विरोध करना चाहिए था जो उसने नहीं किया। तो जमानत मिलना नागरिक का संवैधानिक अधिकार है, वही संजय सिंह को मिला। न्यायालय को लगा कि 6 महीने इसमें ईडी ने सब पूछताछ कर ली होगी तब उनको जेल में रखने का कोई औचित्य नहीं है, तो जमानत न्यायालय ने दिया है, उसका हम सम्मान करते हैं। एक और चीज, जिस तरह की अभी घटनाएं हुई इस बीच में केजरीवाल को लेकर के, खास तौर पर वो जेल गए, वो लगातार कहते रहे कि ईडी इनको गलत फंसा रही है क्योंकि उनके पास कोई सबूत, डायरेक्ट सबूत नहीं है, बाहर उनके जो मंत्री और नेता हैं वो भी बयान देते रहे, और जो ये चुनाव का माहौल है, ऐसे में कहीं ना कहीं ये प्रोजेक्ट होने की कोशिश की जा रही है कि जो केजरीवाल हैं उनको जानबूझकर जेल के अंदर इसलिए डलवा दिया गया ताकि लोकसभा चुनाव में वो इस्तेमाल न कर पाए अपने अपने नेटवर्क का। तो क्या आपको लगता है ये कहीं से भी नेगेटिव होने वाला है बीजेपी के लिए? देखिए, कहीं से ये नेगेटिव नहीं हो, जनता आज की तारीख में मूर्ख नहीं है। आज मीडिया इतना एक्टिवेट हो चुका है, गूगल है, मीडिया है, सोशल मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, गांव में हर बैठे हुए व्यक्ति को, दिल्ली में बैठे हुए हर व्यक्ति को पता है कि केजरीवाल किस जुर्म में गए हैं, कोर्ट क्या क्या डायरेक्शन दे रहा है, कैसे कैसे आगे बढ़ रही है। बिना सबूत के न्यायालय जेल नहीं भेजती, ये तो आप जानते ही हैं, बिना सबूत के कोई केस नहीं चलता है। और केजरीवाल कितनी मुसीबत खड़ी करेंगे, क्या करेंगे नहीं करेंगे, ये तो चुनाव में 2014-2019 सबके चुनाव में जनता देख ही चुकी है। विधानसभा में उनको सफलता मिली, उसका भी मुगालता इस बार टूट जाएगा, 6 महीने बाद तो यहाँ विधानसभा चुनाव भी होंगे ना। केजरीवाल ने अपनी विश्वसनीयता खत्म कर दी है, वो केजरीवाल कम कपटीवाल ज्यादा है, सिर्फ कपट और छल भरा हुआ है। जी जी, अच्छा एक और चीज़, इस बार के लोकसभा चुनाव में वैसे तो हर बार बीजेपी अपने टिकटों को बदलने में जानी जाती रही है, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा हुआ है, दिल्ली में तमाम टिकट बदल दिए गए, बहुत सारे ऐसे जो स्वाभाविक जो कैंडिडेट हुआ करते थे पहले से उन जगहों पर टिकट बदल दिए गए और नए लोगों को मौका दे दिया गया। क्या ये बीजेपी का ओवर कॉन्फिडेंस है कि उनको लगता है जो भी रहेगा वो मोदी जी के नाम पे जीत जाएगा, या फिर ये कोई नए तरीका का एक्सपेरिमेंट है? लेकिन हालांकि पार्टी तो इस बात को लगातार कहती रही है कि हर एक कार्यकर्ता को मौका मिलता है, ये बात ठीक है, जायज़ है, लेकिन ये इतना बड़ा रिस्क लेना या इतनी बड़ा एक्सपेरिमेंट करना, क्या आपको ये किस तरह से दिखता है? नहीं, कोई रिस्क नहीं है, और युवा नेतृत्व और नया चेहरा देना बीजेपी की एक सांगठनिक परंपरा रही है। नए नेतृत्व को हम हर जगह मौका देते हैं और नए नेतृत्व को निखारने में बीजेपी का हर आदमी, हर पुण्यता लगा रहता है, और उसी के तहत टिकट बदले गए हैं, और किसी का कोई अधिकार नहीं हो जाता है कि आप 24 हर बार टिकट आप ही को मिलेगा। सांगठनिक दृष्टि से या पार्टी अपनी रणनीतिक दृष्टि से टिकट का निर्णय लेती है, उसी के तहत टिकट बदले जाते हैं, बहुत सारे लोगों को रिपीट भी किया जाता है, इसमें कोई नया चीज़ नहीं है। जिनको टिकट काटा गया है इसका ये मतलब नहीं कि हमारे लिए कोई काम के नहीं है, उनको अलग अलग जिम्मेदारी दी जाती है। और बीजेपी का हर नेता, कोई बड़ा नेता नहीं है, सब कार्यकर्ता हैं, अपने अपने उपयोगिता के हिसाब से पार्टी के काम में जुटते हैं। वैसे भी इस बार टारगेट ज़्यादा बड़ा है क्योंकि मोदी जी ने चुनाव से पहले कह दिया 400 पार। एक जो कार्यकर्ता या नेता या जो कैंडिडेट है लड़ रहा है, या बड़े नेता जो लोग लगातार बयान देते हैं, वो तो अपनी स्ट्रेटजी अपनी बना ही रहे हैं, या सेंट्रल जो स्ट्रेटजी बनी होगी बनी ही होगी, लेकिन एक प्रवक्ता के तौर पे आप लोगों को क्या इस चीज़ के लिए किस तरह तैयार किया गया है कि 400 पार जाना है तो आपका क्या रोल रहने वाला है? मतलब आपका वो स्ट्रेटजी जो डिस्कस कर सके, जो बता सके, कुछ तो गुप्त चीज़ें भी होंगी, लेकिन क्या स्ट्रेटजी आपको बताई गई कि इस स्ट्रेटजी से चलेंगे तो हम 400 पार हो जाएंगे? देखिए, एक तो पहली बात की जो भी स्ट्रैटेजी बनी हुआ तो मैं टीवी टेलीविजन स्क्रीन पे नहीं बताऊंगा कि हमारी क्या अंदर की स्ट्रैटेजी बनी, लेकिन सच्चाई नहीं बता सकते, वो बात अलग है, लेकिन खुले तौर पे जो कर सकते हैं वो बताइए। नहीं, खुले तौर पे तो एक ही बात है ना कि हम अपनी बातों को जनता में कितना पहुंचा सके, अलग अलग माध्यम से, जैसे श्रेष्ठ भारत एक माध्यम है, अलग अलग जगह से माध्यम है, सोशल मीडिया माध्यम है, प्रिंट मीडिया माध्यम है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया माध्यम है, हमारा ट्विटर हैंडल माध्यम है, अलग अलग माध्यमों से अपने पार्टी की बात, अपने नेता की बात जनता को हम कितना बता सके, जनता कितना हम पे विश्वास कर सके, हमारी सफलता की कुंजी यही। सबसे ज्यादा जो जितने भी राज्य हैं जहां जहां पे आप लोग चुनाव में अपने आप को दमखम दिखा रहे हैं,
उनमें सबसे ज़्यादा आपको चुनौतीपूर्ण जगह कौन सी लगती है? क्योंकि वैसे देखा जाए नंबर्स के लिहाज से अलग अलग स्टेट्स हैं जहां पर आपने इक्वेशंस के हिसाब से समीकरण अपने सेट किए हैं, कहीं कहीं किसी को शामिल कर लिया, कहीं किसी को तोड़ लिया, जोड़ लिया, ये सब ठीक है, लेकिन चुनौती किस स्टेट में सबसे ज़्यादा दिखती है? नहीं, चुनौती हर सीट पे है। हम बीच बीच को मान के नहीं चलना है कि यहाँ पे हमारी चुनौती नहीं है, यहाँ चुनौती। हम हर राज्य में और हर सीट को चुनौती मान के चल रहे हैं और हर जगह हमारा लक्ष्य है कि 50% से ऊपर मत हम हासिल करें। इसलिए हम किसी को लाइटली लेके नहीं चल रहे हैं कि ये बिल्कुल श्योर है, ये नहीं श्योर है, तो इस पे चुनौती है। हर जगह हमारे लिए चुनौती। सर, एक चीज और देखने को मिली कि हाल के दिनों में जब चुनाव, बीजेपी तो वैसे भी हमेशा चुनाव के मोड में ही रहती है, 365 दिन 24 घंटे सातों दिन, लेकिन जो रणनीति, जिस तरीके की जो चुनौती पेश करती है विपक्ष के सामने, उसमें चाहे सोशल मीडिया को हो, चाहे कार्यकर्ता हो, चाहे जमीन को लेकर के हो, क्या आपको लगता है यही एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है? क्योंकि और तमाम विपक्ष के लोग अगर देखा जाए, कंपेयर किया जाए, तो ये लोग कहीं भी इतने मजबूती से खड़े नहीं दिखाई देते हैं, चाहे वो पॉलिसी की बात हो, चाहे नेटवर्क की बात हो, स्ट्रेटजी की बात हो, इसमें दिखते नहीं। तो क्या प्लस पॉइंट यही बीजेपी का है? नहीं, हमारी विचारधारा, कार्यकर्ता हमसे जुड़े हुए हैं कोई लाभ के लिए नहीं, कोई पद के लिए नहीं, बल्कि विचारधारा से जुड़े हुए हैं। किसी को कुछ मिले चाहे नहीं मिले वो कोई लालच नहीं है, लेकिन सब कोई अपनी विचारधारा से पार्टी को मजबूत करने के लिए, राष्ट्र प्रथम की विचारधारा, हिंदुत्व की विचारधारा, ये हमारा सबसे मजबूत पूर्ण होती है। लेकिन आलोक जी, विचारधारा तो बहुत महत्वपूर्ण होती है, और जहां तक बातों की बात की जाए तो हर पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी, अपनी विचारधारा को बहुत उत्तम बताती है और सही तरीके से कहने की कोशिश भी करती है, लेकिन जो बीजेपी वर्सेस अदर्स है, उसमें ये साफ तौर पर दिखता है कि उस विचारधारा को स्प्रेड करने का भी तंत्र उतना मजबूत नहीं है, चाहे वो सोशल मीडिया की बात हो, चाहे वो उनके सोशल मीडिया के वर्कर्स की बात हो, उनकी ट्रेनिंग की बात हो, नेटवर्क को बढ़ाने की बात हो, या प्रवक्ताओं की बात हो। तो क्या ये लगता है कि बीजेपी अपने आइडिया को और अच्छे तरीके से स्प्रेड कर पाती है, ये एक बड़ा प्लस पॉइंट है, इसी वजह से विपक्ष रह जाता है, या फिर कोई और वजह दिखती है आपको? नहीं, जनता से कनेक्ट सबसे बड़ी वजह है। जनता से जो कनेक्ट करेगा उसी की विचारधारा फैलेगी। हम जनता से कनेक्ट करने में सक्षम हैं और जनता हमारी विचारधारा को पसंद करती है, इसीलिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अगर आज जनता हमें नहीं पसंद करेगी तो नहीं आगे बढ़ते। और हमें ये एक दिन में ये सफलता नहीं मिली है, 40 साल लगे 1992 में पहली बार जब बीजेपी एक राज्य में सत्ता में आई। पूर्ण बहुमत में आने में आप सोचिए हमें 2014 लग गया। तो एक दिन क्या ये काम नहीं है, ये निरंतर सार्थक प्रयास है जिसमें सदी पीढ़ियां खप गई है, तब जाके ये मौका मिला है। अजय जी, जो ये नारा दिया गया है, जी अजय जी, जो ये नारा दिया गया है पार्टी की तरफ से, या मोदी जी ने जो बात कही कि अब की बार 400 पार, उसके लिए विपक्ष लगातार कह रहा है कि 400 पार होने के लिए बीजेपी ने अलग अलग तरीके की स्ट्रेटजी जो बनाई है, वो सारी की सारी वो है जो आमतौर पर नेता नहीं इस्तेमाल करते हैं, कि अपने विरोधियों को जेल में डाल दो, उनके खिलाफ मुकदमे डाल दो, उनके खिलाफ ED लगा दो, CBI लगा दो। तो क्या ये कहीं भी आपको दिखता है कि ये लॉजिकल है, या फिर ये लोग सिर्फ अपनी बातों को कहने के लिए कह रहे हैं? विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। और दूसरी बात, ED CBI उन्हीं के पीछे जाती है जो भ्रष्टाचारी है। हम तो जब विपक्ष में थे तब भी तो बीजेपी के नेताओं पे मुकदमे नहीं होते थे, वो जेल नहीं जाते थे, तब भी तो कांग्रेस और बाकी DMK और बाकी नेताओं के, चाहे मुलायम सिंह यादव, उन्हीं लोगों के खिलाफ मुकदमे हुए और वो लोग जेल गए। लेकिन आलोक जी, एक नैरेटिव तो गढ़ दिया गया ना, कि जब लोकसभा चुनाव में स्थानीय जो अलग अलग स्टेट्स के मुद्दे होते या राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे होते, बेरोजगारी की बात होती, महंगाई की बात होती, भ्रष्टाचार की बात होती, या और कोई सुरक्षा की बात होती, उन पर बात होती, उनकी बात ही नहीं हो रही, या तो धर्म पे बात हो रही है, या तो ED CBI की बात हो रही। तो क्या ये बीजेपी ने नैरेटिव गढ़ दिया? क्योंकि इस पर बात करना आसान है, तमाम लोग विपक्ष के जेल में हैं, भ्रष्टाचार के तमाम मुकदमे चल रहे हैं, ED CBI की रेड हुई, वो बताने के लिए बहुत कुछ है, और अब उन मुद्दों पर कोई बात ही नहीं हो रही जिन पर एक्चुअल में मुद्दे होने चाहिए, जो आम जनता के मुद्दे हैं। देखिए, हमने तो मना नहीं किया कि बेरोजगारी पे बात मत करो, महंगाई पे बात मत करो। अब घमंडियों का मीटिंग होती है, रामलीला मैदान में मीटिंग करते हैं, ऊपर से नीचे तक लोग से मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, CBI ED CBI ED मुद्दे तो वो बना रहे, हम कहां बना रहे हैं? अरे, CBI ED एक स्वतंत्र एजेंसी है जो अपना काम कर रही है। आप चुनाव में जनता के पास जाएंगे तो बताएंगे ना कि आप क्या। इसी सीबीआई को पहले बीजेपी भी कहती थी, जिसको कोर्ट ने तक ने कह दिया था कि ये पिंजरे का तोता है। स्वाभाविक है, उनके समय में सीबीआई का इस्तेमाल किया जाता था विरोधियों को पस्त करने के लिए,
डीए केस का इस्तेमाल किया जाता था विरोधियों को कंट्रोल करने के लिए, चाहे वो मुलायम सिंह यादव हो चाहे मायावती हो, सब इसके भुक्तभोगी हैं। हमारे समय में एजेंसियां स्वतंत्र हैं, वो अपना काम कर रही हैं। खासियत होती है शायद एक अच्छे प्रवक्ता की, जिस तरह से आप अपनी बात कहते हैं। खैर, एक आखिरी बात आपसे और जानना चाहते हैं, जिस तरह से मोदी जी ने कहा कि 400 पार इस बार लाना है, आपको प्रवक्ता के तौर पर तमाम लोगों से मिलते होंगे, इंटरेक्शन होता होगा, नेताओं से भी बात होती होगी, आपको क्या लगता है कितना आसान है ये टारगेट या कितना मुश्किल है? देखिए, देश का जिस तरह से मूड जा रहा है, लोगों का पल्स जिस तरह से अगर मैं फील कर पा रहा हूँ, मुझे लग रहा है 400 कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि हम लोग 450 पहुंच जाए। ये 400 का ही नारा क्यों दिया गया? क्या आपकी इस बारे में बात हुई? क्या कांग्रेस का रिकॉर्ड तोड़ना है जो एक बारगी बनाया था कांग्रेस ने, या फिर 400 के आगे बढ़ने की आपको लगता है कि ये उससे ज्यादा नंबर, बड़ा नंबर, बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा? देखिए, राजनीति में हम किसी का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए नहीं आए हैं। हम अपनी लकीर लंबी कर रहे हैं, किसी की लकीर छोटी करने में हमारा इंटरेस्ट नहीं है। मैंने इसलिए कहा कि 400 का नारा दिया कि अब की बार 400 पार, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं हो कि हम 450 पार कर गए। ठीक है अजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, श्रेष्ठ भारत के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये थे बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक, जो कि बता रहे थे कि बीजेपी कैसे अपने 400 के आंकड़े तक पहुंचेगी और कैसे विपक्षियों को पटकनी देगी। फिलहाल ये प्रवक्ता हैं और वो तमाम तरीके से अपनी बातों को सामने रख करके पटकनी देने का काम करते रहे हैं और उन्हें पूरी उम्मीद है कि लोकसभा चुनाव में 400 पार का जो मोदी का नारा है वो पूरा होगा। तो श्रेष्ठ भारत में बस आज इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। नमस्कार।